राजेंद्र शुक्ल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और लगता है अब कि खनिज में जितने भी जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनकी शामत आ चुकी है। सर आज कल आपने बड़ा ट्रांसफर किया, बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है अधिकारियों के, सर क्या समझे इसको कि पूरी तरह से अब एक्शन में आ गए सर? देखिए, शुरू से ही अवैध उत्खनन और परिवहन को पर हमारा शिकंजा हमेशा से रहा है और उसी का परिणाम है कि 600 करोड़ रुपए की रॉयल्टी जो आती थी शासन के खजाने में, अब 3600 करोड़ आ रही है। तो लगातार जो अंकुश लगाया है, शिकंजा कसा गया है और मुख्यमंत्री जी का जो स्पष्ट निर्देश रहा है नीचे तक के अधिकारियों को कि किसी भी कीमत पर अवैध उत्खनन परिवहन को कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो अभी स्थानांतरण हुए हैं, ये एक तो जो MMDR एक्ट नया आया है उसमें जो हमारे जियोलॉजी विंग के लोग फील्ड में काम कर रहे थे, अब चूंकि एक्सप्लोरेशन का काम बढ़ना है क्योंकि अब सारे मेजर मिनरल जो हैं वो ऑक्शन के थ्रू ही अलॉट किए जा सकते हैं। पहले PL और ML सुनवाई के द्वारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होते थे और इसलिए मिनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की कमी होने के कारण जियोलॉजिकल विंग के लोगों को हमने फील्ड में भी पोस्ट किया हुआ था, लेकिन अब चूंकि एक्सप्लोरेशन का काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे हम ज़मीन के अंदर कहाँ पे मेजर मिनरल है उसका पता पहले लगाएंगे और फिर हम उसको ऑक्शन करेंगे, इसलिए एक्सप्लोरेशन विंग को मजबूत करने के लिए फील्ड में जो जियोलॉजी विंग के लोग माइनिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे उनको मुख्यालय लाके और एक जियोलॉजिकल विंग बनाने का काम हम करने वाले हैं। सर जैसे कुछ अधिकारी मान ले लापरवाही करते हैं काम में तो उनके तरह किस तरह सकते हो कि जो तबादले हुए कहीं ना कहीं उन अधिकारियों में कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अपने काम ईमानदारी से ना करते हो, सर उनके ऊपर किस तरह का शिकंजा रहेगा? नहीं, वो तो नज़र रहती है कि कौन अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और कौन लोग लापरवाही करते हैं, तो एक जो प्रशासनिक रूटीन हमारी जो प्रक्रिया है उसके तहत आवश्यक कार्रवाई जो हो सकती है वो होती रहती है। शुक्ल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बदली जाएगी और जो सर के तबादले हुए हैं वो अब यहाँ पर इन तबादलों के माध्यम से जो अवैध उत्खनन करते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनवर खान के साथ शरद व्यास, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।